बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन और आप देख रहे हैं एम प्लम्बिंग वर्क्स। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हमने पाइप की क्वालिटीज़ और पाइप को टेस्ट किया है कि ये क्वालिटी के लिहाज से पाइप कैसा है और इस वीडियो में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों बिना टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों बात कर लेते हैं पाइप की टेस्टिंग के बारे में। दोस्तों हमने पाइप की टेस्टिंग के लिए मोटर बाइक का इस्तेमाल किया, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि हमने बाइक जो है वो पाइप के ऊपर से गुजारी है और पाइप की हालत जो है वो आपके सामने होगी। वो पाइप काफ़ी डैमेज हो चुका था, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों हमने जब इसके ऊपर से फ्रंट टायर गुजारा तो उसको कुछ नहीं हुआ, जब हमने बैक टायर आपके देखे गुजारा तो उसका जो फेस है वो काफ़ी डैमेज हो चुका था और उसकी जो हालत है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, ये एक आम पीवीसी पाइप है और इसके बरक्स हमने अपना यूपीवीसी एशिया कंपनी का पाइप का हमने टेस्टिंग की है, तो वो टेस्टिंग आपके सामने पेश कर दी जाती है। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वालिटी के लिहाज से है। हमने टेस्टिंग का मकसद सिर्फ यही था कि दोस्तों हम जो नालियाँ वगैरह या दोस्तों हम सड़क पे जो पाइप डालते हैं उस पे तो आपको पता है ट्रक भी गुजरते हैं, कारें भी गुजरती हैं, मोटर बाइक गधा गाड़ी सब गुजरती हैं, तो उसकी कैपेसिटी कैसे चेक की जाएगी। दोस्तों ये देख रहे हैं अभी मैंने मोटरसाइकिल का फ्रंट टायर जो है ये पाइप के ऊपर से जब गुजारा तो वो इजीली गुजर गया, क्योंकि अगली जो साइड होती है दोस्तों उसके अंदर वेट कम होता है, जो कि पिछली साइड होती है तो उसको उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये देख रहे हैं आप, ये हमने पाइप डाला, पाइप को बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, 1% भी दोस्तों पाइप को असर नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है कि इसकी वजह यही है कि ये पाइप की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। ठीक है दोस्तों, इसको आप सीवरेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रणाली में और जो मेन लाइन है उसमें भी, वाटर सप्लाई में भी दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इसको गली नाले वगैरह में डालें तो ऊपर हल्का सा कंक्रीट का इस्तेमाल कर लें ताकि थोड़ी मजबूती और बेहतर हो जाए, क्योंकि जो ट्रक का वज़न होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये इसकी जो थिकनेस है दोस्तों वो बहुत मोटी थिकनेस है। वेट की अगर बात की जाए दोस्तों, इसका जो वेट है वो 6 kg है, यानी 6 किलो इस पूरे पाइप 13 फुट की लेंथ का वज़न है। अगर इसकी कीमत की बात की जाए दोस्तों, इसकी सिर्फ और सिर्फ कीमत 1200 है और बहुत अच्छा है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले अपडेट